और इस बीच जम्मू के रियासी से एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, जहां पर सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। दरअसल ये एक इंटेल मिला था, दो संदिग्ध दिखे थे, इसके बाद सेना ने जम्मू के रियासी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। पुलिस भी है, साथ ही सेना भी है, एक ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन सेना और पुलिस का इस वक्त जम्मू के रियासी में चल रहा है। सेना और पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। इस तरह की सूचना मिली थी कि रियासी इलाके में दो संदिग्ध देखे गए हैं, जिसके बाद फौरन सेना एक्शन में आई है। सेना के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी है और सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के इस ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत रियासी के चप्पे चप्पे को ये ज्वाइंट टीम इस वक्त खंगाल रही है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है, घेराबंदी इसलिए ताकि इस सर्च ऑपरेशन के दौरान जो संदिग्ध दिखे हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि यहां से निकलकर भाग जाएं। इसीलिए पूरे इलाके को पहले घेर लिया गया है ताकि कोई भी इस इलाके से बाहर ना निकल पाए। अजय झांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जम्मू से लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, क्या जानकारी है, दो संदिग्ध देखे गए हैं रियासी में? अरोहित, आपको बता दूं कि रियासी जिले का डडवा इलाका पड़ता है, जो पौनी ब्लॉक का हिस्सा है। यहां पर बेसिकली एक महिला को जो है चार संदिग्ध दिखे थे, जिन्होंने बैकपैक उठा रखे थे और उसके बाद जो है वो जंगल के इलाके की ओर चले गए। इसकी जानकारी तुरंत उसने जो लोगों लोकल स्थानीय जो लोग थे उनको दी, जिसके बाद पुलिस तक ये जानकारी पहुंची और उसके बाद जहां पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। रियासी जिला का पौनी ब्लॉक वही इलाका है जहां पर कुछ दिनों पहले जो है वो एक आतंकी हमला हुआ था एक यात्री बस पर, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 33 लोग घायल हो गए थे। और उसी के बाद से लगातार ये आतंकी जो है अलग अलग लोकेशन पर जो है वो ट्रेस हुए थे, जिसके बाद जो है सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जो है उनमें चल रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि लोगों को जब संदिग्ध दिखे हैं उसके बाद इस चीज की लोगों को आशंका है कि कहीं ये आतंकी इसी जंगल के इलाके में छुपे होंगे और किसी और वारदात को अंजाम देंगे, तो कहीं उनको नुकसान जो है वो ना उठाना पड़े। इसीलिए सुरक्षा बलों को जल्द से जल्द इनकी धरपकड़ या इनको ट्रेस करना चाहिए और इनको मार गिराना चाहिए। उसी को लेकर जो है इस वक्त कवायद चल रही है। और खास तौर पर अगर आप देखें तो रियासी में जब यात्री बस पर हमला हुआ उसके बाद से लगातार इस तरह की आशंका सुरक्षा बलों को है, क्योंकि अभी तक आतंकी जिन्होंने हमला किया था वो मारे नहीं गए हैं। इस चीज की आशंका बनी हुई है कि किसी और आतंकी हमले को आतंकी ये अंजाम ना दे दें। अजय, मेरे साथ आप बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। आशिक मीर भी इस वक्त कुपवाड़ा से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुपवाड़ा वो जगह है जहां पर पाकिस्तान के बैट टीम उसने आतंकियों को घुसाने की, हिंदुस्तान में घुसपैठ कराने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर उस आतंकी को मार गिराया गया था। अभी क्या इन्फॉर्मेशन है आशिक, वहां से आप वहीं पर हैं? बिल्कुल, जिस हिसाब से कुपवाड़ा के मसल सेक्टर की जहां बात आती है, तो मसल सेक्टर यहां से 60 किलोमीटर दूर जो है बॉर्डर एरिया है। मैं आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो सीमावर्ती इलाके है जहां पर जंगलों का सहारा लिया जाता है और इन्हीं जंगलों के सहारे ये आतंकी जो है छुप जाते हैं। सुबह पाकिस्तान आर्मी की बैट एक्शन टीम की तरफ से एक हमला किया गया था सुरक्षा बलों पर और मसल में तैनात ये सुरक्षा बलों के जवान जो है इसमें बताया जा रहा है कि कुछ ऑफिसर समेत कुछ जवान जो है इसमें जख्मी हुए थे, जिसमें से एक जवान की मौत भी वाका हो गई है। साथ साथ ये भी खबर है कि एक आतंकी को जो है फिलहाल इसमें ढेर किया गया है। मसल और हो या कुपवाड़ा के केरन सेक्टर की जहां बात आती है, जहां पर बीते 5 दिनों से लगातार बॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी इसी तरह लोलाब सेक्टर में एक एनकाउंटर हुआ जहां पर एक आतंकी को जो है ढेर किया गया। उसके बाद जो है सेना प्रमुख ने जो है कुपवाड़ा के केरन सेक्टर का दौरा किया, जितनी भी फॉरवर्ड पोस्ट है, और वहां पर कड़ी ये मैसेज दी उन आतंकियों को किस तरह से इनका सफाया करना है। और साथ साथ इस वक्त की जब बात आती है तो इस वक्त भी बड़े पैमाने पर कुपवाड़ा के केरन सेक्टर की बात हो, यानी जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर बॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल आशिक, पाकिस्तान की कोशिश हमेशा से ये रहती है कि अस्थिर करे वो, खासतौर पर जम्मू कश्मीर को। अब क्योंकि इलेक्शंस भी नजदीक आ रहे हैं तो ऐसे में ये प्रयास बहुत तेजी से नजर आ रहे हैं इस तरीके के। उसी कड़ी में हमने एक ये कोशिश भी देखी जिसको नाकाम कर दिया हमारे जवानों ने, हमारे सेना के जवानों ने। इलाके में पूरे जो बॉर्डर है LOC वहां पर टाइट रखे गए हैं इंतजाम सुरक्षा के। बिल्कुल, बीते कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो इस तरह के अटेम्प्ट्स कई बार किए गए, क्योंकि अगर हम POK की बात करें, जितने भी आतंकी कैंप्स है वो तो वहां पर आतंकियों की संख्या जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसको लेकर ये आतंकी इसी फिराक में रहते हैं कब इनको मौका मिले ये घुसपैठ करे। तो इसी तरह की कोशिशों को लगातार सुरक्षा बलों के जवान विफल करते हैं और बार बार ये चैलेंज करने की कोशिश की जाती है। और आज भी जो है अब इसमें साफ तौर पर ये दिख रहा है कि पाकिस्तान आर्मी का हाथ किस तरह से होता है जब भी इंफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट किया जाता है, और आज भी
बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम जो कि एसएसजी कमांडोज होते हैं पाक आर्मी की, उनकी तरफ से एक एक्शन किया गया जिसमें फिलहाल सेना के कुछ जवान भी जो है घायल हुए, जिनमें से एक की मौत वाका हो गई है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक आतंकी को जो है इसमें ढेर किया गया है, इससे भारी मिदार में असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। फिलहाल कुपवाड़ा के जंगलों में इस वक्त बड़े पैमाने पर पैरा कमांडोज को उतारा गया है और फिलहाल बड़े ऑपरेशन यहाँ पर चल रहे हैं। जी ठीक है, आपका दोनों का शुक्रिया अजय और आशिक, आप दोनों का शुक्रिया।